हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम बात करते हैं एडवांस सेक्शन। और ये वीलुकअप की सीरीज है जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे वीलुकअप विद एरे। और ये करीब छठी वीडियोज है जिसमें हम बात करेंगे वीलुकअप विद मैच। जी हाँ, वीलुकअप विद मैच। आपके टोटल वीडियो सीरीज चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पे आपको सारे वीडियोस उसके डेटा फाइल के साथ, प्रैक्टिस फाइल के साथ मिल जाए। या फिर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, चैनल के पेज पे जाए, वहां पे आपको कुछ वीडियोस सिक्वेंसली मिल जाए। तो फटाफट ऐप डाउनलोड कीजिए अभी। तो पिछले वीडियो सीरीज में हमने बात किया था वी लुकअप विद एरे, हमने बात किए थे वी लुकअप विद एरे। अब हम बात करते हैं वी लुकअप विथ मैच। वी लुकअप विथ मैच से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैच फॉर्मूला करता क्या है, मैच फॉर्मूला क्या करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा जोन और हमने इक्वल किया मैच। मैच फॉर्मूला का काम है किसी सेल वैल्यू को किसी रो या कॉलम, देखिए वी लुकअप मैच जो है वी लुकअप की तरह वर्टिकल भी चलता है और एच लुकअप की तरह हॉरिजॉन्टल भी चलता है, कॉमा एग्जैक्ट मैच। तो मैच फॉर्मूला ने क्या किया, इसने पता किया कि जोन जो है इस ए से लेके एच कॉलन में है या नहीं है। अगर कॉलन है, अगर है तो उसका क्या दिखेगा, सीक्वेंस नंबर 1 2 3, 3 नंबर दे दिए। एक बार दोबारा बताते हैं, मैच क्या करता है, मैच का काम होता है कि किसी सेल वैल्यू को किसी रो या किसी कॉलम में ढूंढना, अगर मिल जाए तो उसका सीक्वेंस नंबर दे, रो नंबर या कॉलम नंबर। लगाते कैसे हैं, सिंपल लुकअप वैल्यू, यहाँ दीजिए मैच का लुकअप वैल्यू और यहाँ आपका आ गया आपका टेबल या टेबल का हेडिंग या रो हेडिंग आप ले लीजिए, मैं रो एंड कॉलम भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट मैच के नंबर दे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे वी लुकअप लगा, अब मैच और वी लुकअप साथ में क्यों मना मिला, ठीक। इससे पहले हम इस बात कर रहे हैं कि हम एक एक करके एरर दे सकते हैं, हम इस पे कॉलम का फॉर्मूला दे सकते हैं, सीक्वेंस लिख के ड्रैग कर सकते हैं। तो सब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो कॉलम का हेडिंग है ना, वो हेडिंग का सीक्वेंस अगर डेटा सीक्वेंस से मैच है तो 1 2 3 कर लेंगे, नहीं मैच है या बार बार चेंज हो रहा हो तब क्या करेंगे। ऐसे केसेस में हम मैं वी लुकअप और मैच का लगाएंगे। तो वी लुकअप में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, कि वी लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया और मुझे कस्टमर देना है तो डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करते समय कस्टमर पे जाकर रोका, आप यहाँ दिख सकता है आपको ऊपर में एल के बगल में लिखा हुआ है 1048764/12C, स्लैश से मल्टीप्लाई बाय 12C, तो इसका मतलब हुआ कि ये कस्टमर 12वें नंबर कॉलम है। तो मैं यहाँ पे कॉमा 12 और कॉमा 0 कर दूंगा। अब कल के डेट में अगर एक कस्टमर कुछ और बन गया, जैसे कि आपका डिस्काउंट बन गया या फिर सेल्स वैल्यू बन गया, तो फिर मुझे इस 12 को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ 12 ऑटोमेट हो जाए, जो 12 है ऑटोमेट हो जाए कॉलम हेडिंग से, मतलब कि वो खुद ब खुद इस कॉलम को लेके जाए डेटा में और सर्च करके काउंट करके वी लुकअप को बता दे कि भाई इसका इतना नंबर है। यही काम हमारा मैच करता है। जब मैच फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया और चले गए डेटा में हेडिंग को सिलेक्ट करके कॉमा 0 कर दिया। तो इसलिए क्या किया, 12 कर दिया। तो मैच ने क्या बताया, 12 बताया। वीलो को क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो क्यों ना दोनों को कंबाइन कर। तो अगर आपको एक साथ फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी और डबल क्लिक करके 12 के जगह पे इसको कर दीजिए पेस्ट, या 12 डिलीट करके पेस्ट कर दीजिए आगे, या फिर आप एक साथ लगा भी सकते हो। कैसे, वीलो का वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सेलेक्ट किए, कॉमा, यहाँ पे हम देंगे मैच फॉर्मूला, मैच, मैच में वापस लुकअप मैच पे आएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे किसको, जोन को, एंड कॉमा
थीटा में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा जीरो, मैच हमारा क्लोज हो गया। देन कॉमा अगेन हम जीरो करके एंटर प्रेस करते हैं, देखिए साउथ आ गया। तो वीलुकअप मैच, या फिर सही आपको तो मैं सलाह ये दूंगा कि पहले आप वीलुकअप लगाएं मैनुअली यहां पे, और डेट कौन सा है दूसरे नंबर पे कॉमा जी, ठीक है। फिर कहीं किसी और सेल पे आप मैच का फॉर्मूला लगाएं, इसको सिलेक्ट करें, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा जी, अब इस मैच फॉर्मूले को सिलेक्ट करें, कॉपी करें, एस्केप मार के बाहर आए और डबल क्लिक करके इस टू के ऊपर पेस्ट कर दो और एंटर प्रेस करो। अब डायरेक्ट ड्रैग करने में प्रॉब्लम है तो फ्रीज करना तो बनता है, तो फ्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे डॉलर साइन लगाया, ए से एम को सिलेक्ट किया और डी वन का मैंने वन फ्रीज किया और ए से एम को फ्रीज किया एफ फोर की मदद से। अब मैं आसानी से ड्रैग कर सकता हूँ और डेट को डेट फॉर्मेट में लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दो, इस तरह से आप कर सकते। तो वी लुकअप विथ मैच क्या करता है, वी लुकअप विथ मैच करता है कि इसके अंदर इसे आपका जो कॉलम आईडी है वो कॉलम आईडी के जगह पे आप मैच का फॉर्मूला लगा दें ताकि ढूंढ के दे दे कल के डेट में चेंज होगा। जैसे जोन है, कल के डेट में मान लीजिए किसी बताया कि मुझे जोन के जगह पे प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट और एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए प्रॉफिट आ। अब इस पर आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हो तो ये इसमें हो जाए, परसेंटेज में हो जाए, डेट हो तो डेट फॉर्मेट हो जाए, तो इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है। तो जैसे यहाँ हम जो भी चेंज करेंगे वो आ जाएगा, जो भी जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कस्टमर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे कस्टमर और यहाँ पे जो जो इस तरह चल रहा है। तो प्रैक्टिस शीट कीजिए डाउनलोड और इसकी खुद से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम होने पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पे आपको इसकी कंप्लीट सीरीज और प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर हम कुछ सिलेक्टेड वीडियोज ही अपलोड करते हैं, पूरा सिक्वेंस अपलोड नहीं करते हैं, ऐप के अंदर पूरा होता है। फटाफट ऐप को कीजिए डाउनलोड और इस वीडियो सीरीज को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।